दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है घंटा का आइकन उसको ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ आपको जानकारी मिले, आपको SMS मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों पिछले वीडियो पर हमने पढ़ा था शिव और पार्वती के संभोग के बारे में, शिव पार्वती के शारीरिक संबंध और कार्तिकेय के जन्म श्री राम के पूर्वजों के बारे में जो विश्वामित्र श्री राम को बताते हैं। तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे, शुरुआत से देखेंगे। उसके बाद आज का चैप्टर है सगर पुत्र के भावी विनाश की सूचना देकर ब्रह्मा जी का देवताओं को शांत करना, सगर के पुत्र का पृथ्वी को खोदते हुए कपिल जी के पास पहुंचना और उनके रोष से जलकर भस्म होना। देवताओं की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्र के बल से मोहित एवं भयभीत हुए उन देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, ये सारी पृथ्वी जिन भगवान वसुदेव की वस्तु है तथा जिन भगवान लक्ष्मीपति की यह रानी है, वही सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उनकी कोपाग्नि से ये सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। पृथ्वी का ये भेदन सनातन है, प्रत्येक कल्प में अवश्यंभावी है। इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुषों ने सगर के पुत्रों का भावी विनाश भी देखा ही है, अतः इस विषय में शोक करना अनुचित है। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर शत्रु का दमन करने वाले 33 देवता बड़े हर्ष में भर कर जैसे आए थे उसी तरह पुनः लौट गए। सगर पुत्र के हाथ से जब पृथ्वी खोदी जा रही थी उस समय उससे वज्रपात के समान बड़ा भयंकर शब्द होता था। इस तरह सारी पृथ्वी खोद कर तथा उसकी परिक्रमा करके वे सभी सगर पुत्र पिता के पास खाली हाथ लौट आए और बोले, पिताजी, हमने सारी पृथ्वी छान डाली, देवता, दानव, राक्षस, पिशाच और नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला, फिर भी हमें ना तो कहीं घोड़ा दिखाई दिया और ना घोड़े का चुराने वाला। आपका भला हो, अब हम क्या करें इस विषय में आप ही कोई उपाय सोचिए। रघुनंदन, पुत्रों का ये वचन सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने उनसे कुपित होकर कहा, जाओ फिर से सारी पृथ्वी खोदो और इसे वितीर्ण करके घोड़ों के चोर का पता लगाओ, चोर तक पहुँच कर काम पूरा होने पर ही लौटना। अपने महात्मा पिता सगर की यह आज्ञा सिरोधार्य करके वे 60,000 राजकुमार रसतल की ओर बढ़े और रोष में भरकर पृथ्वी खोदने लगे। उस खुदाई के समय ही उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया जिसका नाम विरूपाक्ष है। वो इस भूतल को धारण किए हुए था। रघुनंदन, महान गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। काकुत्स का मतलब है कि श्री राम के पिताजी रघुनंदन महान गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। काकुत्स वो महान दिग्गज जिस समय थक कर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था उस समय भूकंप होने लगता था। श्री राम पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए वे सगर पुत्र रसातल का भेदन करके आगे बढ़ गए। पूर्व दिशा का भेदन करने के पश्चात वे पुनः दक्षिण दिशा की भूमि को खोदने लगे। दक्षिण दिशा में भी उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया, उसका नाम था महापद्म। महान पर्वत के समान ऊंचा वो विशालकाय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। उसे देखकर उन राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। महात्मा, सगर के वे 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि का भेदन करने लगे। पश्चिम दिशा में भी उन महाबली सगर पुत्र ने महान पर्वताकार दिग्गज सोमनस का दर्शन किया। उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछकर वे सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशा में जा पहुँचे। रघुश्रेष्ठ, उत्तर दिशा में उन्हें हिम के समान श्वेतभद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया जो अपने कल्याणमय शरीर से इस पृथ्वी को धारण किए हुए था। उसका कुशल समाचार पूछकर राजा सगर के वे सभी 60,000 पुत्र उसकी परिक्रमा करने के पश्चात भूमि खोदने के काम में जुट गए। तदनंतर सुविख्यात
पूर्वोत्तर दिशा में जाकर उन सगर कुमारों ने एक साथ होकर रोषपूर्वक पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। इस बार उन सभी महामना महाबली एवं भयानक वेगशाली राजकुमारों ने वहाँ सनातन वसुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। राजा सगर के यज्ञ का वो घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही चर रहा था। रघुनंदन, उसे देखकर उन सबको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने अपने हाथों में खंती, हल और नाना प्रकार के वृक्ष एवं पत्थरों के टुकड़े ले रखे थे। वे अत्यंत रोष में भर कर उनकी ओर दौड़े और बोले, अरे खड़ा रे, तू ही हमारे यज्ञ के घोड़े को यहाँ चुरा लाया है। दुर्बुद्धे, अब हम आ गए हैं, तू समझ ले हम महाराज सगर के पुत्र हैं। रघुनंदन, उनकी बात सुनकर भगवान कपिल को बड़ा रोष हुआ और उस रोष के आवेग से ही उनके मुंह से एक हुंकार निकल पड़ा। श्री राम, उस हुंकार के साथ ही उन अत्यंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख बना दिया या राख का ढेर कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर, सगर की आज्ञा से अंशुमान का रसातल में जाकर घोड़ों को ले जाना और अपने चाचाओं के निधन का समाचार सुनाना। रघुनंदन, पुत्रों को गए बहुत दिन हो गए, ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से, जो अपने तेज से दैवत्यमान हो रहा था, इस प्रकार कहा, वत्स, तुम शूरवीर विद्वान तथा अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं के पद का अनुसरण करो और उस चोर का पता लगाओ जिसने मेरे यज्ञ संबंधित अश्व का अपहरण कर लिया है। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी लेते जाओ। जो वंदनीय पुरुष हो उन्हें प्रणाम करना और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले हो उनको मार डालना। ऐसा करते हुए सफल मनोरथ होकर लौटो और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम कर दिखाने वाला वीरवर अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल दिया। विश्वामित्र, श्री राम के पहले जो पैदा हुए थे, यानी श्री राम के वंश के बारे में ही बता रहे हैं। नरश्रेष्ठ, उसके महामनस्वी चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था उसी पर वो राजा सगर से प्रेरित होकर गया। वहाँ उस महातेजस्वी वीर ने एक दिग्गज को देखा जिसकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग सभी पूजा कर रहे थे। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने उस दिग्गज से अपने चाचाओं को समाचार तथा अश्व चुराने वाले का पता पूछा। उसका प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया, अशमंच कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र लौट आओगे। उसकी यह बात सुनकर अंशुमान ने क्रमशः सभी दिग्गजों से न्यायानुसार उक्त प्रश्न पूछना आरंभ किया। वाक्य के मर्म को समझने और बोलने में कुशल दिग्गजों ने अंशुमान का सत्कार किया और यह शुभकामना प्रकट की कि तुम घोड़े सहित लौट आओगे। उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रतापूर्वक पैर बढ़ाया उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ उसके चाचा सगर पुत्र राख के ढेर हुए पड़े थे। उनके वध से असमंजस पुत्र अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। वह शोक के वशीभूत हो अत्यंत आतुरभाव से फूट फूट कर रोने लगा। दुख शोक से डूबे हुए पुरुष सिंह अंशुमान ने अपने यज्ञ संबंधित अश्व को भी वहाँ पास ही चरते देखा। महातेजस्वी अंशुमान ने उन राजकुमारों को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहाँ कहीं भी कोई जलाशय दिखाई नहीं दिया। श्री राम, तब उसने दूर तक की वस्तु को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैलाकर देखा। उस समय उसे वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए, जो उसके चाचाओं सगर पुत्र के मामा थे। महाबली विनतानंदन गरुड़ ने अंशुमान से कहा, पुरुष सिंह, शोक न करो, इस राजकुमार का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। विद्वान अत्यंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को दग्ध किया है। इनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। फिर नरश्रेष्ठ, महाबाहु, हिमवान की जो ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी है उन्हीं के जल से अपने इन चाचाओं का तर्पण करो। जिस समय लोक पावनी गंगा राख के ढेर होकर गिरे हुए उन 60,000 राजकुमारों को अपने जल से आलपालिप करेगी, उसी समय उन सबको स्वर्गलोक में पहुंचा देंगी। लोक कमनिया गंगा के जल से भीगी हुई ये भस्म राशि
इन सबको स्वर्गलोक में भेज देगी। महाभाग पुरुष प्रवर वीर, अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पिता माँ का यज्ञ पूर्ण करो। गरुड़ की यह बात सुनकर अत्यंत पराक्रमी महातपस्वी अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत लौट आया। रघुनंदन यज्ञ में दीक्षित हुए। राजा के पास आकर उसने सारा समाचार निवेदन किया और गरुड़ की बताई हुई बात भी कह सुनाई। अंशुमान के मुख से ये भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर के कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूर्ण किया। यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। वहाँ आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, किंतु वे किसी निश्चय पर ना पहुँच सके। दीर्घकाल तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और 30,000 वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्गलोक को चले गए। नेक्स्ट चैप्टर अंशुमान और भागीरथ की तपस्या। ब्रह्मा जी का भागीरथ को अविष्ट वर देकर गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर को राजी करने के निमित्त प्रयत्न करने की सलाह देना। श्री राम सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। रघुनंदन अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था, वो भी एक महान पुरुष था, रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर। अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहाँ अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया, तपस्या के धन से संपन्न हुए। वो नरेश ने वहीं शरीर त्याग कर स्वर्गलोक प्राप्त किया। अपने पितामह के वध का वृत्तांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना संभव होगा, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूंगा। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण में बहुत विख्यात थे, भागीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञ का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। पुरुष सिंह उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को ना पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र भागीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरशेष राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्यकर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गए। रघुनंदन यानी श्री राम धर्मात्मा राजर्षि महाराज भागीरथ के कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे तो भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। महाबाहु वे अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंचाग्नि का सेवन करते और इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार गो तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भागीरथ के 1,000 वर्ष व्यतीत हो गए। इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहां आकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भागीरथ से इस प्रकार कहा, महाराज भागीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले नरेश्वर, तुम कोई वर मांगो। तब महातेजस्वी महाबाहु भागीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उन सर्वलोक पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार बोले, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या को कोई उत्तम फल है तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। इन महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी पितामहों को प्रपितामहों को अक्षय स्वर्गलोक मिले। देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट ना हो। भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इश्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए। राजा भगीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षय वाली परम कल्याणमयी मीठी वाणी में कहा, इश्वाकु वंशी वंश की वृद्धि करने वाले महारथी भगीरथ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा ये महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। राजन, यह है हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमवती गंगा जी, इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करो। महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग यह पृथ्वी नहीं सह सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा और किसी को ऐसा नहीं देखता जो इन्हें धारण कर सके। राजाओं से ऐसा कहकर लोकतृष्ट ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा से भी भागीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा।
भगवती गंगा से भगीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं और मरुदगणों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। नेक्स्ट चैप्टर भगीरथ की तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शंकर का गंगा को अपने सिर पर धारण करके बिंदु सरोवर में छोड़ना और उनका 7 धाराओं में विभक्त हो भगीरथ के साथ जाकर उनके पितरों का उद्धार करना। श्री राम देवादिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े हो 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना करने लगे करते रहे। वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक बंदित उमा बल्लभ भगवान पशुपति ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा। नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूँगा। श्री राम, शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने बेग को दुष्य बनाकर आकाश से भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी। उस समय परम दुर्दश गंगा देवी ने यह सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रवाह के साथ शंकर जी को लिए दिए पाताल में घुस जाऊंगी। उनकी इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान हर कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार किया। पुण्य स्वरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वो मस्तक जटामंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिर कर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह भी पृथ्वी पर ना जा सकी। भगवान शिव के जटाजाल में उलझ कर किनारे आकर भी गंगा देवी वहाँ से निकलने का मार्ग ना पा सकी और बहुत वर्षों तक उस जटाजूट में ही भटकती रही। रघुनंदन भगीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटामंडल में अदृश्य हो गई है। तब वे पुनः वहाँ भारी तपस्या में लग गए। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर लिया। तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया। वहाँ छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गई, हादिनी, पावनी और नलिनी। ये कल्याणमय जल से सुशोभित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गई। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु, ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी वो महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। महातेजस्वी राजर्षि भगीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहाँ से इस पृथ्वी पर आई। गंगा जी की वो जलराशि महान कलकल नाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। मत्स्य, कश्यप और शिंशुमार झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी। तदंतर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमान, घोड़ों और गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा जी की शोभा निहारने लगी। तो यहाँ पे आकार वाले विमान कहा गया है, कौन सा विमान है पता नहीं। देवता लोग आश्चर्यचकित होकर वहाँ खड़े थे। जगत में गंगा वतरण के इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से हमें तेजस्वी देवताओं का समूह वहाँ जुटा हुआ था। तीव्र गति से आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहाँ का मेघ रहित निर्मल आकाश इस तरफ प्रकाशित हो रहा था मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हों। तो ये सब देवता जो हैं, जो पृथ्वी के बाहर रहते हैं, उनको एलियन भी कहा जा सकता है, जो पृथ्वी पर उस समय आया करते थे। ठीक है, क्योंकि एलियन भी उसी को कहते हैं जो पृथ्वी के बाहर रहते हैं किसी ग्रह में। शिशुमान सर्प तथा चंचल मत्स्य समूह के उछलने से गंगा जी के जल से ऊपर का आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो वहाँ चंचल चपलताओं का प्रकाश सब और व्याप्त हो रहा हो। वायु आदि से सहस्त्र टुकड़ों में बटे हुए फैन आकाश में सब और फैल रहे थे मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हों। गंगा जी की ये धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बहती थी। कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती और कहीं ऊंचे की ओर उठी हुई थी। कहीं समतल भूमि पर वो धीरे धीरे बहती थी और कहीं कहीं अपने ही जल से उसके जल में बारंबार टकरे लगती रहती थी। गंगा का वो जल बारंबार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीची भूमि पर गिरता था। आकाश में भगवान शंकर के मस्तक पर
तथा वहाँ से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ वो निर्मल एवं पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व यह सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत पवित्र है, उसमें आचमन करने लगे। जो साभ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे, वे गंगा के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए तथा उस जल से पाप धुल जाने के कारण पुनः शुभ पुण्य से संयुक्त हो आकाश में पहुंचकर अपने लोकों को पा गए। उस प्रकाशमान जल के संपर्क से आनंदित हुए संपूर्ण जगत को सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग गंगा में स्नान करके पापहीन हो गए। हम पहले बता आए हैं कि राजसी महाराज भागीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही थी। श्री राम उस समय समस्त देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, पवर, किन्नर, बड़े बड़े नाग, सर्प तथा अप्सरा, ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भगीरथ के रथ के पीछे गंगा जी के साथ 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 चल रहे थे। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जलराशि के साथ सानंद जा रहे थे। जिस ओर राजा भगीरथ जाते, उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा भी जाती थी। उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जहु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गई। रघुनंदन राजा जहु उसे इसे गंगा जी का गर्भ समझकर कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया। ये संसार के लिए बड़ी अद्भुत बात हुई। तब देवता, गंधर्व तथा ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रवर महात्मा जहू की स्तुति करने लगे। उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया, अर्थात उन्हें यह विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करके आप इनके पिता कहलाएंगे। इससे सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जहू बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्र द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। इसलिए गंगा जहू की पुत्री एवं जाह्नवी कहलाती है। तो दोस्तों, हमें महाभारत में और रामायण में दोनों जगह एलियन का जिक्र मिलता है, ठीक है, जो देवता पृथ्वी के बाहर से विमान पर बैठ के आते थे। और यहाँ पे भी इस वीडियो में भी आपने पढ़ा कि विमान में देवता आकर आप आसमान से देखते हैं, तो अभी उनको आप एलियन मान सकते हो क्योंकि एलियन वही है जो पृथ्वी के बाहर रहता है, ठीक है। वहाँ से गंगा फिर भागीरथ के रथ का अनुसरण करते हुए चली। उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्र तक जा पहुंची और राजा भागीरथ के पितरों के उदार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में गई। राजर्षि भागीरथ भी यत्नपूर्वक गंगा जी को साथ ले वहां गए। उन्होंने साप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेत सा होकर देखा। रघुकुल के श्रेष्ठ वीर तदनंतर गंगा के उस उत्तम जल ने सगर पुत्र की उस भस्म राशि को अल्पावित कर दिया और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए। नेक्स्ट चैप्टर ब्रह्मा का भगीरथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें गंगा जल से पितरों के तर्पण की आज्ञा देना और